हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक है ऑसिलेटर। तो ये ऑसिलेटर का ब्लॉक डायग्राम है। देखिए, इनपुट पे क्या डीसी पावर सप्लाई वोल्टेज दिया गया, और आउटपुट पे क्या है मैम, वी आउटपुट पे ये वेवफॉर्म्स मिल रहे हैं, एक है साइनसोइडल, स्क्वायर और ट्रायंगल वेवफॉर्म। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसके अनुसार ऑल ऑसिलेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम डीसी पावर सप्लाई टू पीरियोडिक वेवफॉर्म दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेटिंग एप्लीकेशन। इसका जो है क्या है, कंट्रोल सिग्नल और सिग्नल जनरेटिंग वेब फॉर्म के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में ये दिखाया गया है। तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारा हुआ फीडबैक ऑसिलेटर। तो देखिए, ये जो हमें पढ़ना है वो हमारा क्या है, फीडबैक ऑसिलेटर। तो ये फीडबैक ऑसिलेटर का ये फिगर डाइग्राम है। तो फीडबैक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में कौन सा जो है एम्पलीफायर पॉजिटिव जो है फीडबैक यूज करते हैं। तो देखिए, फीडबैक ऑसिलेशन इन विच रिटर्न द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट विद नो नेट फेज शिफ्ट रिजल्टिंग इन री इन्फोर्समेंट ऑफ द आउटपुट सिग्नल। ये कहते हैं कि यहाँ से जो आउटपुट है, जो इसका एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है, वो हम जो है एक फीडबैक नेटवर्क के द्वारा जो है इनपुट पे जो है क्या करते हैं, एम्पलीफायर की वो देते हैं विदाउट इनपुट। और इसमें जो फेज शिफ्ट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है, वो साइनसोइडल आउटपुट मिलता है। तो जो बेसिकली जो फीडबैक ऑसिलेटर होता है, यही सर्किटरी, इसी का ही जो हमें सर्किट एनालिसिस करनी आगे। तो ये सर्किट जो है ऑसिलेटर, फीडबैक ऑसिलेटर में क्या होता है, एक एम्पलीफायर होता है और एक फीडबैक नेटवर्क प्लस फेज शिफ्ट होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं फीडबैक ऑसिलेटर में। तो यहाँ लिखा हुआ, फीडबैक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ एन एम्पलीफायर फॉर गेन आइदर डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर और ओप एम्प। तो ये ओप एम्प से भी, बीजेटी से भी, और ये मॉसफेट फैट से भी बनाया जा सकता है। एंड पॉजिटिव फीडबैक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है ये, जब भी वर्क करेगा तो किसमें जो है फीडबैक इसमें यूज किया जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो हमारा क्या एम्पलीफायर के लिए यूज किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या रहता है, जो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो इसमें जो ए एफ होता है, फीडबैक गेन क्या होता है, वो ज़्यादा होता है एम्पलीफायर गेन से। जबकि निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव फीडबैक में जो हमारा होता है, तो जो ए एफ होता है वो लेस देन ए। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेते, वो कम होता है। निगेटिव फीडबैक में गेन हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जबकि पॉजिटिव गेन में क्या होता है, ये फीडबैक गेन हमारा क्या, वो ज़्यादा होता है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है, दैट प्रोड्यूस फेज शिफ्ट एंड प्रोवाइड अटेन्यूएशन। तो ये हमारी जो है फीडबैक नेटवर्क, इसके द्वारा जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर फीडबैक लूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम थ्योरी इसलिए लिख ली जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है मटेरियल जो है इसमें कवर कर लेंगे। तो ऑसिलेटर फीडबैक लूप, तो ये देखिए फीडबैक का जो है लूप का जो है कनेक्शन है। तो हमने यहाँ क्या इनपुट लिया गया, जबकि जो है ऑसिलेटर में क्या इनपुट क्या होता है, वो जीरो होता, क्योंकि हमने इनपुट लिया तभी हमें इसकी एनालिसिस समझ में आएगी ऑसिलेटर की। तो देखिए, ऑसिलेटर में क्या होता है, यहाँ पे एक हमारा एम्पलीफायर होता है और ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क क्या होता है, बीटा होता है। एम्पलीफायर के जो आउटपुट होता है, वो आउटपुट जो है वो क्या है, फीडबैक जो है, जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क पर दिया जाता है। और इसका जो आउटपुट होता है वो कहाँ दिया जाता है, समेशन ऑफ इनपुट पर दिया जाता है। और ये पॉजिटिव दिया जाता है यहाँ पे, ये भी क्या सोर्स के साथ पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो आउटपुट फ्रैक्शन थ्रू द फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क टू द इनपुट विद पॉजिटिव टर्मिनल। जब हम पॉजिटिव यहाँ मार्क कर देंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक लूप होगा। अगर हम यहाँ नेगेटिव मार्क कर देंगे तो हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो जो एक्स ही क्या, ये एरर होता है, ये इन दोनों का जो है योग होगा। तो हमें जो इसका जो डेरिवेशन निकालना है, वो हम निकालेंगे ए फीडबैक लूप बराबर ए अपॉन वन माइनस ए इंटू बीटा, वो हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट। तो जैसा कि यहाँ पे जो है इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा, लिखा हुआ है मैंने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइनसोइडल ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ एन एम्पलीफायर एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव कनेक्टेड इन पॉजिटिव फीडबैक लूप।
तो जो ऑसिलेटर होता है वो वहाँ साफ साफ लिख रहा है क्या होता है, कंसिस्ट होता है एक एम्पलीफायर होता है, फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क होता है, अब कनेक्टेड क्या होता है ये पॉजिटिव फीडबैक लेवल, सो इन फिगर 1.3। तो यही हमारा फिगर मोस्टली चलेगा आगे। तो ऑल्दो इज एन एक्चुअल ऑसिलेटर, यहाँ पे क्या है इस इनपुट लिया गया, एक्चुअल ऑसिलेटर जो सर्किट होती है नो इनपुट सिग्नल विल बी प्रेजेंट, कि जो हमारा एक्चुअल ऑसिलेटर है आप ये इनपुट सिग्नल नहीं होता, आउटपुट जो हमारा जो फीडबैक करके आता है और वो क्या दिया जाता है इस फीडबैक के थ्रू एम्पलीफायर के लिए, तब वो हमारा आउटपुट जनरेट करता है। वी इंक्लूड इनपुट सिग्नल हियर टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑपरेशन। तो देखिए, तो ये हमें एक्सप्रेशन निकालना ए एफ बराबर ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। तो देखिए एक्स ही जो एरर होगा वो क्या होगा, एक्स एस जो हमारा इनपुट सिग्नल प्लस ये फीडबैक सिग्नल होगा, ये समेशन करके देखा यहाँ पे जो है ये आ जाएगा। आउटपुट जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, ये एम्पलीफायर करता है एक्स ही करके आएगा, तो हमने वो यहाँ लिख दिया एक्स नॉट बराबर एक्स ही इंटू ए। तो जो फीडबैक जो हमारा जो है जो इसका जो है आउटपुट वो क्या होगा, एक्स एफ इंटू बीटा टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, ये इनपुट दे रहेगा फीडबैक और ये इसका आउटपुट है। तो जो हमारा एक्स नॉट, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम इस वाले समीकरण रख दें, तो हमने ये वाली वैल्यू रख दी क्या, एक्स 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 एस प्लस एक्स एफ इंटू ए। तो एक्स एफ की वैल्यू हमने क्या रख दी, बीटा टाइम्स ऑफ एक्स नॉट रख दी, तो ये हमने रख दी। उसके बाद इसको इधर ले आए ये, तो ये तो ये एक्स है और ये एक्स नॉट इंटू वन माइनस ए बीटा बराबर ए एक्स एक्स, तो एक्स नॉट अपॉन एक्स एक्स बराबर ए अपॉन वन माइनस बीटा, और ये क्या कहा जाएगा, फीडबैक गेन कहा जाएगा, ये आउटपुट टू इनपुट जो हमारा ये निकल के आए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव क्यों आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया, पॉजिटिव लिया। अगर हम यहाँ निगेटिव लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे जो है फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट थ्रू द समेशन किया जाता है वो निगेटिव जाता है, तो यहाँ क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव किसके लिए होता है, निगेटिव फीडबैक के लिए होता है। तो देखिए ए एफ बराबर फीडबैक जो है गेन आ गया ए अपॉन वन माइनस ए इंटू बीटा, ए क्या है हमारा ओपन लूप गेन है और ये फीडबैक नेटवर्क है ए बीटा। तो इसे क्या है फ्रिक्वेंसी रूप में ये होगा हमारा, तो इसको ए एफ एस एस डोमेन में लिखें, ए एस या ए वी एस, कहीं कहीं बुक में ए वी एस करके डिनोट किया गया ओपन लूप वोल्टेज गेन को, तो वन माइनस ए एस इंटू, तो जो लूप गेन होता है वो हमारा क्या होता है, ये ओपन लूप गेन इंटू वीटा होता, तो हमने यहाँ लिख दिया एल बराबर, इसको डिनोट कर दिया, बहुत सी बुकों में वो टी करके भी यूज किया गया, तो एल बराबर ए इंटू वीटा या ए वी इंटू वीटा, कोई भी फर्क नहीं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है किसी किसी बुक में। तो ये सिर्फ एस डोमेन के लिखेंगे एल एस बराबर ए एस इंटू वीटा। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बात करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगी वन माइनस एल, तो ये क्या होगा वन माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा एल बराबर जीरो, मतलब ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या, वन माइनस एल बराबर क्या हो जाएगा, वो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगी। तो वन माइनस एल फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमने एस वो लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत और करते हैं एनालिसिस, कि वन माइनस एल बराबर अगर हम इसको जीरो कर देते तो हमारा ए एफ एस, ये वन माइनस एल, वन माइनस एल का मतलब हो गया वन माइनस ए बीटा बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो ए एफ हमारा क्या हो जाएगा, वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए ए एफ बराबर ए अपॉन वन माइनस ए इंटू वीटा, तो बराबर ए अपॉन वन माइनस एल, अगर हम इसकी वैल्यू क्या कर लें जीरो के बराबर के कुछ क्या हो, तो वन माइनस एल बराबर जीरो, तो ये वन माइनस एल बराबर जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एफ बराबर इनफाइनाइट। तो जो ए एफ गेन बराबर हमारा इनफाइनाइट, यही क्या कहलाता है कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, जब हमारा गेन इनफाइनाइट हो जाए तो क्या कहलाएगा कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, तो ये कब होगा वन माइनस एल बराबर जीरो, तो यहाँ से निकल के आएगा एल बराबर वन, तो ए इंटू वीटा बराबर क्या जाएगा ये वन, तो इसी को बोलते हैं वारकाउशन क्राइटेरिया, या इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं एल एस बराबर या ए एस इंटू वी एस बराबर सॉरी बीटा बराबर वन, या एल जे नॉट एल जे ओमेगा नॉट बराबर ए जे ओमेगा नॉट वी जे ओमेगा नॉट बराबर वन, इस टाइप से। तो ये एल बराबर वन आ गया, ए बीटा बराबर वन हो गया, तो ये क्राइटेरिया कहलाता है हमारा ऑसिलेशन का, कब जब हमारे ये वैल्यू क्या हो जाएगी
जीरो के बराबर, और ये क्या हो जाएगा हमारे ए एफ टेन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक मैंने बताया ऑसिलेटर में यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये बेसिकली ऑसिलेटर का फिगर है, तो इसे क्या बोलेंगे और इसमें क्या यूज़ किया गया है, वो पॉजिटिव फीडबैक है। यहाँ इनपुट नहीं दे रखा, देखिए ये क्या है एम्पलीफायर है और ये फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क है। तो इस पर देखिए क्या है, वी एफ दिया है, फीडबैक वोल्टेज दे रखा है और यहाँ आउटपुट मिल रहा है। तो जब हमने ये देखिए ये स्मॉल है, इसका जब एम्पलीफाई करके मिलेगा तो आउटपुट हमें थोड़ा लार्ज मिलेगा। यही आउटपुट क्या मिलके हमें जो है फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क बीटा पे दिया जाता है और क्या हो जाए अटेन्यूएट हो जाता है। तब हम कहाँ ऐसा ही ये चलता रहता है प्रोसेस, इसमें इनपुट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए ये एरो डॉटेड करके बना हुआ, तो टोटल फेज शिफ्ट क्या होता है इसके अराउंड, इस लूप के अराउंड क्या होता है जीरो होता है या 365 डिग्री होना चाहिए। तो और यहाँ पे लिखा हुआ कि जो फीडबैक और जो आउटपुट आ रहा है ये कैसे होने चाहिए, इन फेज में होना चाहिए, जबकि उसमें क्या होता है हमारा एम्पली नेगेटिव फीडबैक ये क्या होता है आउटपुट फेज में होते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव फीडबैक के बारे में लिखने के लिए आए तो इतना आप लिख सकते हैं। लिखा है पॉजिटिव फीडबैक इज करेक्टराइज बाई कंडीशन वेयर एन इनपुट पोर्सन ऑफ आउटपुट एम्पलीफायर इज फीडबैक टू द इनपुट। कह रहा है इन फेज होता है पोर्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज फेड बैक टू द इनपुट। इन फेज फीडबैक वोल्टेज इज एम्पलीफाइड टू प्रोड्यूस द आउटपुट वोल्टेज। जो हम यहाँ से जो ये करेंगे तो ये क्या होगा एम्पलीफाइड होके क्या होगा हमारा जो है आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, विच इन टर्न प्रोड्यूस फीडबैक ऑसिलेशन। ए लूप इज क्रिएटेड, जो ये हमारा लूप बनना है, इन विच द सिग्नल सस्टेन इट्स सेल्फ एंड कंटिन्यूस साइनसोइडल आउटपुट इज प्रोड्यूस, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द ऑसिलेशन। और ये इसमें क्या होता है जो हमारा ये लूप बनना है इसमें क्या होगा हमारा फेज शिफ्ट वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है, इसी कारण क्या होता है हमें ऑसिलेशन मिलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर में वार्क हाइसेन क्राइटेरिया फॉर द ऑसिलेशन। वार्क हाइसेन क्राइटेरिया फॉर द ऑसिलेशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ही पूछा जाएगा और पूछा जाता है। तो देखिए इस पे जब लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो कहेंगे कि इसे एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेन करने जितना मैं ये बता रहा हूँ इतना आपको वो एक्सप्लेन करके देना होगा। और इसमें एक बार पूछे एक और पूछा जाता है छोटा सा दो नंबर सवाल, कंडीशन ऑफ द वार्क हाइसेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन। तो इसमें दो कंडीशन आपको लिखनी होगी बस, जब वो एक्सप्लेन करने के लिए कहे 10 मार्क में तो पूरा ये एक्सप्लेन करना होगा। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं डॉट में, तो इनको ही आपको लिखना और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। तो देखिए द ऑसिलेटर कैन बी डिस्क्राइब बाय ए पॉजिटिव फीडबैक यूजिंग ब्लॉक डायग्राम इन फिगर 1.3। तो ये जो फिगर है हमारा ये 1.3, इसमें क्या है ये पॉजिटिव फीडबैक करके जो है एक हमने क्या लूप लिया है ऑसिलेटर का। ए फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव फीडबैक नेटवर्क इज यूज एंड ऑसिलेटर इज डिजाइन टू प्रोड्यूस एन आउटपुट इवन थ्रो इनपुट इज जीरो। तो ये बेसिक डेफिनेशन है ऑसिलेटर की कि जब इसमें इनपुट नहीं होता तब भी हमें क्या देता है ये आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है थ्रू द फीडबैक। ये इनपुट क्योंकि हमने इसीलिए इस इनपुट सिग्नल लिया तो आपको बेहतर तरीके से इसकी जो है ऑपरेशन समझ में आएगा। फॉर साइनोसोइडल ऑसिलेटर वी वांट टू पोल्स ऑफ क्लोज्ड एम्पलीफायर टू बी लोकेटेड एंड एट ए फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट प्रेसली ऑन द जेएमआई एक्सेस। तो ऑसिलेटर साइनोसोइडल जब भी होता है तो उसके पोल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं जेएम हो गया एक्सेस पे होता है, जैसा कि हमने ये दर्शाया फिगर में। द सर्किट यूज पॉजिटिव फीडबैक थ्रू द फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव फीडबैक नेटवर्क टू इंश्योर द सस्टेंड ऑसिलेशन एट ओमेगा नॉट। तो देखिए ये क्या है आउटपुट इस एम्पलीफायर का फीडबैक इनपुट दिया गया फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट और उसका आउटपुट कहाँ दिया गया ये समय से इनपुट पे क्या दिया पॉजिटिव के साथ दिया गया, इसलिए क्या गया ये पॉजिटिव फीडबैक कहा गया। और ये क्या प्रोवाइड करता सस्टेंड ऑसिलेटर एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी एट ए फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। कंसीडर द फीडबैक सिस्टम इन फिगर 1.3 विच इज डिस्क्राइब्ड वाई। तो ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया है, तो ए एफ एस बराबर ए एस अपॉन 1 - a इंटू बीटा एस बराबर ए एस अपॉन 1 - LS। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है द फोर साइनसोइडल ऑसिलेशंस
द डिनोमिनेटर मस्ट बी जीरो फॉर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट ऑन द जे ओमेगा एक्सेस। कि साइनसोइडल ऑसिलेटर ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए हमें, इसे जो है इसकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर पार्ट है इस AFS का फीड वैल्यू वो क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट पे। तो हम इसको लिख लेते हैं वन माइनस जे ओमेगा नॉट बराबर जीरो या जे ओमेगा नॉट बराबर प्लस वन। तो देखिए जे ओमेगा नॉट एल जे ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है ए जे ओमेगा नॉट इंटू वी जे ओमेगा नॉट, क्योंकि ये लूप गेन होता है और ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द ओपन लूप गेन इंटू वीटा। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखा गया है तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, तो ये क्या होगा वन होगा प्लस वन वैल्यू। तो इसी को बोलते हैं वार हाउस एंड क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशंस, ये जो लिखा हुआ कंडीशन इसी को बोला जाता। तो इसके बेसिस पे ये दो कंडीशन लिखी गई। तो इस तरीके से द वार गॉसियन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन आर स्टेटमेंट ऑफ टू कंडीशन नेसेसरी सेटिस्फाई अबव इक्वेशन। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये देखिए वन और ये एंगल मैग्नीट्यूड और ये फेज एंगल के रूप में अगर इसको लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये समथिंग ये सिंपली वन जे ओमेगा नॉट। तो यहाँ लिख दिया गया तो जो पहली इसकी कंडीशन होती है वार गॉसियन, तो ये एंगल जे एल जे ओमेगा बराबर जीरो डिग्री या इवन मल्टीपल ऑफ टू 360 डिग्री या 2nπ रेडियन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा नॉट बराबर क्या होना चाहिए वन हो गया। तो देखिए इनको जो है क्राइटेरिया क्या है स्टेटमेंट के रूप में इस तरीके से लिखा गया पहले वाले को, द फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी जीरो डिग्री। पहले ही जो है कंडीशन है कि जो फेज शिफ्ट होना चाहिए अराउंड द लूप क्या होना चाहिए वो मस्ट बी जीरो डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए जीरो डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है वार हाउसेन क्राइटेरिया की। दूसरी कंडीशन क्या है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन मस्ट बी यूनिटी। हमारा जो है मैग्नीट्यूड जो है लूप गेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए यूनिटी होना चाहिए। तो हमें ये दो कंडीशनें याद रखनी है। तो ये दोनों ही पूछी जाती हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर वो कह रहे हैं कि राइट डाउन द टू कंडीशन ऑन द वार गॉसियन क्राइटेरिया तो आपको ये दोनों ही लिखनी है और ये चाहो इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर वो कहे एक्सप्लेन तो इतना मैंने जो बताया उसको आपको लिखना है तब आपको नंबर मिलेंगे। तो देखिए ये फिगर के द्वारा ये दोनों जो है कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया। देखिए क्या है ये एम्पलीफायर और ये क्या फेज शिफ्ट, ये क्या आउटपुट मिला है, आपको इनपुट नहीं लिया गया। तो ये देखिए यहाँ पर जो एम्पलीफायर का आउटपुट होगा तो वो क्या दे रखा है वो फेज शिफ्ट जो है अटेन्यूएटर पर दे रखे तो ये आउटपुट वोल्टेज ये और ये क्या होने चाहिए वो इन फेज होने चाहिए। और देखिए ये पूरा एक लूप बनना है ए बीटा और इनके बीच में और क्या बनना है फेज शिफ्ट क्या होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो लिखा हुआ फेज शिफ्ट अराउंड द लूप इज जीरो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी है मैग्नीट्यूड लूप गेन इज वन, तो ए इंटू बीटा तो एल जे मॉड जे ओमेगा नॉट बराबर ए जे ओमेगा नॉट या मॉड बीटा जे ओमेगा नॉट बराबर क्या होना चाहिए वन या एल बराबर ए इंटू बीटा या मॉड एल बराबर ए मॉड ए वन। तो ये लूप गेन क्या होना चाहिए हमारा वो यूनिटी होगा। तो इन दो फिगर से आप वो अच्छे तरीके से एग्जाम में समझ जाएगा। तो ये आपको लिखनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्हीं की बेसिस पे क्या लिखते हैं क्वेश्चंस लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड की जाती है और ये और लूप गेन फाइंड किया जाता है। उससे लूप गेन की मदद से क्या निकालते हैं वोल्टेज गेन निकालते हैं। अगर एक देखिए ये तो जो है ऑसिलेशन के लिए, अगर वो कर दिया जाए स्टार्ट ऑसिलेशन तो जो स्टार्ट जैसे लग जाएगा स्टार्ट ऑसिलेशन उसके लिए लूप गेन की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन वन होती है। तो हम पढ़ेंगे प्रूफ जो है डेरिवेशन के पढ़ेंगे वा हाउसेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेटर। तो हम पढ़ेंगे ए इंटू बीटा बराबर वन ये निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा ये बेसिक डायग्राम है फीडबैक ऑसिलेटर का फिगर 1.3। तो देखिए वार गॉसियन क्राइटेरिया कैन बी ऑब्टेन बाय कंसीडरिंग वंस मोर फीडबैक लूप इन फिगर, एक बार और दिस लूप टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन आउटपुट एक्स नॉट विद नो अप्लाइड इनपुट। तो हमने देखिए इसका जो है दूसरा वाला फिगर ड्रा कर लिया जहाँ एक्स जो इनपुट था उसे हमने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया। तो जो हमारा एक्स ई होगा एरर वोल्टेज वो क्या हो जाएगा एक्स एफ के बराबर हो जाएगा।
तो एक्स ही बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एफ बराबर क्या हमारा ये आउटपुट है इसका, इसका जो है फीडबैक का अटेन्यूएटर का, तो ये हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ ये एक्स नॉट, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब चूंकि एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो एक्स नॉट बराबर क्या होगा हमारा, वो ए टाइम ऑफ एक्स ही, तो एक्स ही बराबर क्या होगा वो एक्स एफ होगा, एक्स नॉट बराबर ए टाइम एक्स एफ। अब चूंकि एक्स एफ बराबर क्या है वो बीटा टाइम्स ऑफ एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट बराबर ए इंटू बीटा टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा वन। तो ये हमारी क्या हुई वाटर रिजर्वेशन क्राइटेरिया, तो इसे क्या बोलते हैं लूप गेन बोलते हैं, तो एल बराबर ए इंटू बीटा बराबर वन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आरसी ऑसिलेटर, तो हमारे दो आरसी ऑसिलेटर होते हैं, वेन ब्रिज ऑसिलेटर और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।